हरियाणा बीजेपी की बैठक इस समय जारी है। सीएम मनोहर लाल बैठक में मौजूद, हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव बैठक में शामिल हैं, साथ ही गृह मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में मौजूद हैं। सांसद नायब सिंह सैनी भी बैठक में शामिल हैं। बैठक में अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। अमित शाह का हरियाणा में दौरा प्रस्तावित है, तो इस दौरे को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ने ये बैठक दिल्ली में बुलाई है, तो ये बड़ी खबर इस समय बता रहे हैं कि ये बैठक इस समय चल रही है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ओर से ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री मौजूद है, सांसद नायब सिंह सैनी मौजूद है, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी बैठक में मौजूद है। इसके साथ ही साथ हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव भी इस बैठक में शामिल है, तो कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। कई संगठनात्मक मुद्दों को लेकर भी बैठक में चर्चा हो रही है। साथ ही साथ चूंकि अभी हरियाणा में अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है, तो उनके दौरे को लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर बैठक के में दरअसल सांसद नेता सभी जब इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। सांसद सुनीता दुग्गल की तस्वीर आप देख रहे हैं, कमल गुप्ता कैबिनेट मंत्री इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे, साथ ही हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव कुमार भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। तो इस समय की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सभी नेता सांसद जब इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। बैठक इस समय हरियाणा निवास में दिल्ली में जारी है और बीजेपी अध्यक्ष हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की ओर से दरअसल ये बैठक बुलाई गई है, तो कई मुद्दों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। कई जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी, लेकिन इसके साथ ही साथ दरअसल काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है, काफी अहम ये बैठक है। कई विषयों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल संपन्न हुई और उसके बाद में ही से ही हरियाणा में बैठकों का दौर जारी है और अब आज ये बैठक दिल्ली में चल रही है, दिल्ली में हरियाणा निवास में। तो काफी महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। अमित शाह का हरियाणा में दौरा है, उसको लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा संभव है, तो कई विषयों को लेकर चर्चा होनी है। जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और माना यह भी जा रहा है कि क्योंकि आगे तैयारी 2024 की है, तो उसको लेकर भी इस बैठक के दौरान चर्चा होगी। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता और साथ ही साथ राजा पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजा पटेल, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्योंकि दिल्ली में ये बैठक चल रही है, आप वहीं पर मौजूद हैं, तस्वीरों के माध्यम से बताएं क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है। और बिल्कुल देखिए, 20 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है, बैठक शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, प्रभारी हैं जो हरियाणा के विपक्ष है, वो बैठक में अंदर मौजूद हैं और करीबन 20 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है, बैठक शुरू है और तमाम जो पहलू हैं, तमाम जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इस बैठक में मौजूद है। जिस तरीके से मिशन 2024 में बीजेपी जुट चुकी है और 2 दिन पहले जिस तरीके से कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर बैठक चल रही है। बैठक में तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, जो प्रभारी हैं हरियाणा के विप्लव देव वो इस बैठक में मौजूद हैं, सुधा की बात करें वो इस बैठक में मौजूद हैं, बनवारी लाल इस बैठक में मौजूद है, तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। जिस तरीके से जो कार्यकारिणी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो मंथन हुआ उसको लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस तरीके से जो ग्राउंड पर बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हुए नजर आएंगे, वहीं जिस तरीके से गृह जो मंत्री हैं अमित शाह, उनका हरियाणा दौरा है, उसको लेकर भी बैठक में कहीं ना कहीं चर्चा होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, कई मुद्दों को लेकर इस बैठक के दौरान चर्चा होगी जाहिर तौर पर, और ये बैठक अभी चल रही है। राजा पटेल, जैसे आप जानकारी दे रहे हैं, 20 मिनट से ज्यादा का समय हो गया है इस बैठक को शुरू हुए, लेकिन जितेंद्र, क्योंकि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है, 2 दिन की ये बैठक हुई, उसके बाद से ही हरियाणा में देखिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी के भीतर हम कहीं संगठन को मजबूत करने की कोशिश है, या किस तरह से आप देख पा रहे हैं ये बैठक जो आज दिल्ली में चल रही है? देखिए बिल्कुल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद, हालांकि एक प्रक्रिया के तहत प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी होती है, लेकिन जिस प्रकार से 29 तारीख को अमित शाह का दौरा प्रस्तावित है हरियाणा के अंदर, उसमें तमाम सांसदों मंत्रियों के साथ ये मंत्रणा जो है वो दिल्ली स्थित हरियाणा भवन के अंदर की जा रही है, जिसमें अगर हम बात करें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, साथ में संगठन मंत्री रविंद्र राजू, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, तमाम जो भाजपा के जो मंत्री हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, सभी सांसदों को बुलाया गया है।
अमित शाह के दौरे को लेकर के जहां चर्चा की जाएगी, तो वहीं आगामी 3 तारीख को गुरु रविदास जयंती को लेकर के भी केंद्र से जो 3 नेता हैं वो प्रदेश के अंदर आने हैं, उसको लेकर के भी यहां रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी। साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का यहाँ जिक्र आपने किया अवंतिका, उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो बूथ है उन्हें मजबूत करने का जो लक्ष्य है वो प्रदेशों को दिया गया है, क्योंकि आगामी जो भी चुनाव प्रदेशों के अंदर है उन प्रदेशों के अंदर चुनाव जीतना जो है उसे एक चुनौती के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ले रही है, और कार्यकारिणी की बैठक के अंदर भी तमाम चुनावों को जीतने को लेकर के रणनीति बनाई गई है, मिशन 2024 को लेकर के भी अपना रोड मैप तैयार किया गया है। वहीं भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनके कार्यकाल को भी अगले साल जून तक जो है वो बढ़ाया गया है, उसमें अब तमाम कार्यक्रम किस प्रकार से संगठन के तौर पर चलने हैं, सरकार और संगठन किस तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे लेकर के चलेगी, और अमित शाह की जो गोहाना रैली है सोनीपत के अंदर जो होनी है उसको लेकर के भी जो पूरी तैयारियां हैं उनको उसका रोडमैप भी अभी से तैयार करने की जो जुगत है उसमें तमाम संगठन और सरकार के जो जुड़े जो नेता हैं वो संयुक्त तौर पर लग गए हैं, ताकि इस रैली में एक और जहाँ राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है जिस तरीके से जीटी रोड बेल्ट से होकर के निकली है उसमें अब किस तरीके से उसका जो असर है वो खत्म करने का काम जो है वो इस रैली के माध्यम से किया जाएगा। एक बड़ी रैली जो है वो जाटलैंड के अंदर करके कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सत्ताधारी पार्टी की तरफ से प्रदेश के अंदर किया जाएगा केंद्र के नेताओं को बुला करके, जिससे कि एक मैसेज जो है वो बड़े स्तर पर दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कार्य कर रही है, क्योंकि कई खामियों को विपक्ष की तरफ से जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे कई खामियों को जो है प्रदेश की ऐसी रही जिनको उठाया गया था उसके बाद अब सरकार अपने स्तर पर किस तरीके से विकास के खाका जो है वो लगातार खींचने का काम कर रही है, इस रैली के माध्यम से जो है सत्ता पक्ष भी बताने का प्रयास जो है वो करने जा रहा है, और उसी की तैयारियों को लेकर के दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में ये अहम बैठक इस वक्त चल रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए इस समय पार्टी संगठन को मजबूत करना है, और जैसे अभी जितेंद्र बता रहे हैं कि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास रहेगा, तो क्या ये भी समझें कि क्योंकि ये महत्वपूर्ण बैठक इस समय चल रही है और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद आज ये बैठक हो रही है, तो क्या यहाँ पर नेताओं की जिम्मेदारियां भी तय की जाएंगी कि आप किस तरह से अपने अपने हलकों में पार्टी को मजबूत करने के लिए या बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कोशिश बीजेपी की है कि संगठन को और भी ज्यादा मजबूती दी जाए, और अब अगले साल चुनाव भी प्रदेश में है तो उससे पहले की तैयारी भी नजर आती है। देखिए बिल्कुल, मिशन 2024 को लेकर के भी चुनाव हैं, कई राज्यों के अंदर भी चुनाव लंबित हैं, और इसके बाद अगर हम बात करें हरियाणा के भी चुनाव को लेकर के अगर हम बात करें तो लगातार चर्चाएं ये हैं कि करीब 1.5 साल का वक्त इसको लेकर के बचा है, क्योंकि उसके बाद चुनावी बिगुल जो है वो सीधे तौर पर बजते हुए नजर आएगा, और इसी को लेकर के जहां अमित शाह की प्रस्तावित रैली है उसको लेकर ड्यूटियां लगाई जाएंगी, तो वहीं बूथ स्तर से किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए इसको लेकर के भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है उसके अंदर चर्चा की गई है। लक्ष्य रखा है कि अब किसी भी चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त नहीं देखनी है, और इसको लेकर के तमाम जो नेता है वो अपनी कमर कसते हुए नजर आ रहे हैं, और आगे आने वाली बैठकें जो है इस प्रकार से और भी देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो 29 तारीख को जो अमित शाह की गोहाना रैली है इसकी तैयारियां, इसमें ड्यूटी लगाने का काम, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और अमित शाह के भाषण को सुनने का काम करें, तमाम नेता जो वहां पर मौजूद रहेंगे उनके भाषण को सुनने का काम करें। वहीं 3 तारीख को गुरु रविदास जयंती को लेकर के जो कार्यक्रम प्रस्तावित है उस कार्यक्रम को लेकर के भी ये प्रयास किया जाएगा कि उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं जो एक प्रचार प्रसार है वो किया जाए और उसका फायदा जो है आने वाले किसी जो चुनाव है तमाम प्रकार। बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए इस समय कहीं ना कहीं बीजेपी की साख की भी बात है, क्योंकि अमित शाह की रैली है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं में अमित शाह आते हैं, देश के गृहमंत्री अमित शाह हैं, उनकी रैली को सफल बनाना है। लेकिन राजा कहीं ना कहीं मैसेज ये भी देने की कोशिश बीजेपी की रहेगी, राहुल गांधी हाल ही में यहां पर भारत जोड़ो यात्रा करके गए हैं हरियाणा में, तो उसके बाद अमित शाह की रैली उससे ज्यादा जोरदार दिखे ये भी कोशिश रहेगी, और उस लिहाज से भी क्या माने कि इस बैठक के दौरान तैयारी की जाएगी और होगी तो किस तरह की तैयारी रहने वाली है और किस तरह की चर्चा रहने वाली है?
जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली हरियाणा दौरे पर कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, उसको लेकर भी इस बैठक में कहीं ना कहीं मंथन किया जा रहा है। जिस तरीके से पहले ही कार्यकर्ताओं की सांसदों की ड्यूटी लगाई गई है और जो जानकारी है कि जो कबीरदास जयंती है उसको भी हरियाणा सरकार बड़े लेवल पर मना रही है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस बैठक के अंदर चर्चा चलती हुई नजर आ रही है। पर जो सबसे बड़ी, क्योंकि कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद बयान दिया था कि 10 की 10 लोकसभा जीतना बीजेपी का मोटिव रहेगा, उसको लेकर अभी से ही हरियाणा बीजेपी अभी से ही तैयारी में जुट चुकी है और जिसका उदाहरण भी अब देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से बड़ी बैठक ये दिल्ली के हरियाणा भवन में हो रही है, तमाम के मुख्यमंत्री मौजूद हैं, सांसद मौजूद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री जो कि कृष्ण पाल गुर्जर फरदाबाद से आते हैं, सांसद भी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। गुरुग्राम से बात करें, गुरुग्राम से तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी इस बैठक में मौजूद है। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई उसके बाद से एक्टिव मोड में हरियाणा बीजेपी के उम्मीदवार खड़े हुए नजर आ रहे हैं और उसको लेकर बड़ी बैठक भी दिल्ली में देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये एक बड़ी बैठक जो इस समय दिल्ली में बुलाई गई है, हरियाणा बीजेपी की ये बड़ी बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की ओर से बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री सांसद इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजा पटेल तमाम जानकारी देने के लिए। जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।